गुड मॉर्निंग 10th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सर। आपका अभी होल सोल SST साइंस और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स में ही ले रहा हूँ आपके, और उसमें काफी स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आ रहा है। जो कुछ पूछते नहीं है, जो डाउट्स हमारे क्लियर नहीं करते हैं, उन स्टूडेंट्स को जरूर समझ में नहीं आ रहा है। तो विवेकानंद स्कूल की तरफ से आपको आज से एक ये वीडियो लेक्चर वाला भी हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो आप सभी लोग जिनके पिछले साल की फीसेस बाकी हैं, कम से कम वो अब तो 4 मंथ्स निकलने के बाद उसको जमा करा दें, और जिन्होंने इस साल में मैंने जो 2000 रुपीज के लिए बोला था वो भी आप अब तो जमा करा दें, क्योंकि आपकी क्लासेज रेगुलर अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में भी रेगुलर चल रही हैं। अभी हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। आई होप आप सब सेफ हैं घर पे अपने अपने, और सब लोग अपने पेरेंट्स भी आपके सब लोग सेफ हैं। तो ये SST का आज मैंने थ्योरेटिकली जूम कॉल पे सुबह एक चैप्टर पढ़ाया था वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, उसी चैप्टर को हम अब जब हमारे पास डिजिटल क्लासरूम विवेकानंद पब्लिक स्कूल में है तो हम उस पर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका SST का हिस्ट्री पार्ट का वर्ल्ड हिस्ट्री नाम का चैप्टर है, इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं डिजिटल क्लासरूम पे, ताकि जो ये SST की बोरियत है वो खत्म हो और आपको ये चीज हिस्टोरी की तरह याद रहे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, आप उसको सुने और समझने की कोशिश करें। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसमें आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा, इन्वेंशंस के बारे में कि क्या क्या खोज इंडस्ट्रीज की हुई थी उस टाइम पे, सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ था वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज बनी कैसे थी, इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसे हुई। डिड यू नो दैट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन टू फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो एक शिफ्ट था डोमेस्टिक सिस्टम से फैक्ट्री सिस्टम की तरफ। पहले लोग बार सब कुछ घरों में ही बनाते थे और बेचकर आते थे, अब ये एक सिस्टमेटिक ढंग से फैक्ट्री के तौर पे उन्होंने इसको प्रोड्यूस करना शुरू किया। इन द डोमेस्टिक सिस्टम वर्कर्स ये डोमेस्टिक सिस्टम आज इसको प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंपल टूल्स हैंडमेड टूल्स इन देयर होम्स हैंडमेड आइटम्स। इन द फैक्ट्री सिस्टम द वर्कर्स यूज्ड स्टीम पावर्ड मशीन्स एंड लार्ज मिल्स सेटअप फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपने देखा, इससे SST आपकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसमें आपको सब समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि पहले लोग बाग घरों में बनाते थे इन आइटम्स को, अब वो इन आइटम्स को लार्जली बड़े बड़े मशीनों के थ्रू और उस तरह से प्रोडक्शन करने लगे, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी वो भी डेवलप। Thus, the factory system started as a result of the inventions of new sources of power. फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट होने के पीछे एक पावर सिस्टम्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा था, पावर सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। ये आप चिमनीज देख रहे हैं, बड़ी बड़ी चिमनीज हैं जहां पे कोयले जला करके कोल इंडस्ट्रीज से कोयला लेकर के, और इस तरह से ये लोग शुरुआत करते थे। विच इनेबल्ड ऑपरेशन ऑफ मशीन्स, दीज मशीन्स वर ऑफ नो वर्थ इफ देयर वर नो मींस टू ऑपरेट देम। Without these sources of power, it would have been difficult to obtain raw materials and. बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है और अगर आपके पास पावर सोर्सेज नहीं है तो फिर इन फैक्ट्रीज के होने का कोई मतलब नहीं है। Sufficient amount of water to ensure mass production. Thus, invention of alternative energy sources which could solve these problems was the need of the hour. To overcome these problems, Thomas Newcomen invented steam engine. Thomas Newcomen ने steam engine का आविष्कार किया था, steam engine को invent किया था। ठीक है, steam engine बाद में industries के लिए और सब चीजों के लिए काफी important हो चुका था, और steam engine का उपयोग करके बहुत सारा production हमें मिलने लगा, production की quality बढ़ गई, जो चीजें हम लोग काम में लेते थे उनकी growth होने लगी। However, it was not economically beneficial. Later, James Watt improved the mechanism of steam engine. James Watt ने जो स्टीम इंजन पहले उसने बनाया था उस स्टीम इंजन के मैकेनिज्म को सुधारने की कोशिश की। And developed it into an efficient source of power.
Thus, the use of steam as a source of power. तो ये जो use of steam था as a source of power proved to be most effective and it provided the real base for the growth of the textile, iron and coal industry. तो ये जो steam का उपयोग था इसकी वजह से textile में, iron में और coal industry में बहुत ज्यादा फायदा होने लगा. Proved to be most effective as compared to any other source of power. Provided the real base for the growth of the textile, iron and coal industry, transportation and many other industries. Among all the industries, it was the textile industry which made rapid progress. ये जो जितनी भी industries थी इसमें से textile industry ऐसी थी जिसकी progress बहुत rapidly हुई, बहुत तेजी से growth किया जिसने. और आज भी आप देख रहे हैं कि textile industry यानी कि जो कपड़ा निर्माण है वो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक नाम रखता है और आज भी बहुत बड़ा इस उद्योग है, बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इसकी फैक्ट्री सब जगह पे लगी हुई है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है. Yes, in the early phase of the industrial revolution, this rapid development of textile industry was facilitated by modern inventions in the textile industry. The fast growing British population and the expanding empire of Britain contributed to the increase in mechanical inventions. जैसे जैसे ब्रिटेन की पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे वहां के जो पॉपुलेशन थी उसके बढ़ने के साथ साथ वहां पे ये उद्योग भी बढ़ते गए और उसमें सबसे बड़ा योगदान मैकेनिकल इन्वेंशन का था. मैकेनिकल इन्वेंशन मतलब मशीनरी. मशीनरी में स्टीम इंजन आप पढ़ चुके हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप पढ़ चुके हो जहां पे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए मशीनरी का उपयोग ज्यादा किया जाने लगा. As a result of these inventions in the textile industry, Britain became famous as the workshop of the world. इस इन्वेंशन की वजह से ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा. Inventions in the cotton textile industry, such as spinning and weaving, brought with it abundance and variety of material. दो methods के नाम है spinning और weaving. These inventions brought about a transformation in the textile industry. In the spinning process, raw cotton is separated from its seeds and is changed into yarn. स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो रॉ कॉटन होता है उसे हम उसके सीड्स से अलग करके और स्पिनिंग प्रोसेस वीविंग प्रोसेस का भी फोटो आप देख रहे हैं. ये वीविंग प्रोसेस होता है. दीज प्रोसेसेस ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग वर प्रोपेल्ड विद द इन्वेंशंस ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स. द फर्स्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज द कॉटन जिन. This was invented by Elie Whitney. Elie Whitney ने कॉटन जिन का इन्वेंशन किया था. ठीक है. The workers in processing larger quantities of cotton by separating raw cotton from its seeds. The spinning jenny by James Hargreaves was another important invention. James Hargreaves ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था. A spinning jenny could spin 8 threads at the same time. Thus, it replaced the labor of 8 workers. Water frame, an invention made by Richard Arkwright. Water frame का invention किया था Richard Arkwright. In the textile industry. With the help of this machine, stronger threads could be spun at lesser cost. This machine used water as the source of energy. The only disadvantage of this machine was its huge size and heavy weight, and that water was its only source of energy. ये मशीन बहुत ज्यादा हैवी थी और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में इसमें बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए इस मशीन का यूज बाद में कम किया गया. It could not fit into homes and could be installed in factories close to a source of water. The spinning wheel invented by Samuel Crompton. Samuel Crompton ने spinning wheel का आविष्कार किया था, invention किया था. It was invented
ये आपको इसका फोटो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है एसोसिएटेड विद द प्रीवियस मशीन्स, इट विल स्पिन फाइन एंड स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम. जॉन के इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल. जॉन के ने फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किया था. Flying shuttle would double the productivity. इससे प्रोडक्टिविटी डबल हो चुकी है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द लास्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज द पंप. लास्ट इम्पोर्टेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इन्वेंशन था वो था पावर लूम, जिसका आपको फोटो दिया हुआ. पावर लूम, इट वॉज इन्वेंटेड बाय एडमंड कार्टराइट. This machine sped up the progress of weaving immensely and could weave many threads at a time. Thus, invention helped in. ये आपको पूरा फ्लो चार्ट देखने में है. फ्लो चार्ट में दिया हुआ है कि सबसे पहले 1712 में थॉमस न्यूकॉम्स ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था. उसके बाद 1760s से 1770s में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को दोबारा से इनोवेट किए सही किया था. उसके बाद आर्कराइट ने वाटर फ्रेम स्पिनिंग मशीन बनाई थी. उसके बाद 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल स्पिनिंग मशीन बनाई. ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड हेल्प. तो आज के लिए काफी है. ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा. आप इसको अच्छे से पढ़ें और याद करें.